हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। आप सभी जानते हैं इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, और इसी बीच हमारे बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ये वादा किया है कि जिनके पास भी राशन कार्ड है उन राशन कार्ड धारकों को 1-1 हज़ार रुपया सरकार कोरोना सहायता के रूप में देगी। अब बात आता है कि 1 हज़ार रुपया आपको मिला या नहीं मिला, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जा चुका है, बहुत सारे लोगों का अभी नहीं गया है, बहुत सारे लोगों का अभी आधार जो है सत्यापन में चल रहा है, उनका डाटा मिलाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी जोड़ देना है, और साथ ही आप अपना स्टेटस स्थिति को चेक भी कर सकते हो कि आपका जो राशन कार्ड वाला पैसा है वो आपके खाते में आया या नहीं आया, या अभी उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि सर, जो सरकार यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को 1 हज़ार रुपया दे रही है, क्या हम उसकी स्टेटस को चेक कर सकते हैं, उसकी स्थिति को चेक कर सकते हैं, हमें मिला या नहीं मिला, या हमारा अभी किस स्थिति में फंसा हुआ है पैसा, या क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे हम चेक करें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, यही सिखाएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से कैसे चेक कर सकते हो राशन कार्ड सिर्फ नंबर डालकर। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इस वक्त अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने आ जाना है। आपको गूगल में सिंपली टाइप करना है eps.bihar.gov.in। यह लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी डायरेक्टली आप इसके होम पेज पे आ सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट साइड में यहां पर कोविड 19 सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आधार और मोबाइल अपडेट करने के लिए यहां क्लिक करें। इस पे क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलकर चला आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कोरोना वायरस कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारकों को कोरोना सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान की स्थिति। आप यहां से स्थिति को जो है चेक कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपया देने का यहां पर जो स्कीम चल रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे, अपना राशन कार्ड उठाएंगे और राशन कार्ड में आप अपना यहां पर राशन कार्ड नंबर डालेंगे। कौन सा नंबर डालना है आपको हम यहां पर दिखा दे रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड संख्या कुछ इस तरह का होता है और यहां पर आपका पूरा राशन कार्ड संख्या रहता है। ये हमने थोड़ा सा यहां पर हाइड कर दिया है, ब्लर कर दिया है पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से। तो आप यहां से क्या करेंगे, ये जो पूरा नंबर होता है, पूरा का पूरा नंबर आपको जो है यहां पर फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, सर्च करें पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहां पर राशन कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं, उसके बाद सर्च करें पर क्लिक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने राशन कार्ड नंबर यहां पर डाला, उसके बाद सर्च बार पे क्लिक किया, तो यहां पर आपको राशन कार्ड का जो नाम होता है, यानी लाभार्थी का राशन कार्ड में जो नाम है, उसका 3 या 4 लेटर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे में आपका स्थिति मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपकी आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी है, कृपया कुछ दिन के बाद पुनः जांच करें। ठीक है, तो यहां पर इनका जो है, इनका आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है और कुछ दिन के बाद जांच करने को कहा जा रहा है। यदि आप यहां पर अपना राशन कार्ड नंबर डालते हैं और आपको यहां पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, तो उस मोबाइल नंबर के ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डालना है, चाहे आपने जो राशन कार्ड में दिया है वो मोबाइल नंबर डालो या कोई सा भी आप मोबाइल नंबर डालो। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपके मोबाइल में, दिए गए मोबाइल में आपको OTP आएगा। वहां पर आप OTP फिल करके जैसे ही सबमिट करोगे तो वो मोबाइल नंबर भी रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका स्टेटस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यदि आपको यहां पर देखने को मिलता है कि आपका पैसा आपको भेजा जा चुका है, आप अपना SMS का प्रतीक्षा करें, तो आपको क्या करना है, थोड़े दिन वहां पर आपको वेट कर लेना है, इंतजार कर लेना है। बैंक से ही जैसे ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा तो वहां पर आपको SMS के द्वारा जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा। यदि आप यहां पर राशन कार्ड किसी का या फिल करते हैं, अपने या अपने परिवार का या अपने आस पड़ोस समाज का, और यहां पर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका डेटा है यहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना है, या फिर आपको डीलर से जाकर वहां पर संपर्क कर लेना है। और जैसे ही इस पर और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वा सिंपल लिखेंगे और कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।